देखा नहीं है। तुमसे परिवार को छोड़ा है मैंने तुम्हारे लिए। मैं मजबूर हूं नवीन, प्लीज मुझे समझो। क्या समझूं? ये बेवफा से मैं वफा की उम्मीद कर बैठा? तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा मैं सोनम, चैन से नहीं जीने दूंगा मैं तुम्हें। काट काट! अरे नवीन क्या कर रहा है यार, कोई अपनी महबूबा से इस तरह गुस्से में बात करता है क्या? उसने मुझे धोखा दिया है तो गुस्सा तो आएगा ना? आएगा, पर गुस्से के भी टाइप्स होते हैं ना यार। तू उससे प्यार करता है, तुझे दर्द हुआ है, पर तेरे गुस्से में भी वो प्यार दिखना चाहिए, तेरे आंखों में वो नमी दिखनी चाहिए। यार तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, तू क्यों नहीं कर देता आके? देख नवीन, ताने मत मार, मैं डायरेक्टर हूँ। तो फिर एक्टर भी बन जा। देख तू ना मुझसे भी। यार बस करो, यहाँ पर काम करने आओ या झगड़ा करने आयो? देख मैं तो मेरा काम ही कर रहा हूँ, ये नवीन है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है। लगता है पैकअप होने वाला है यार। अगर तू मुझे इतने सालों बाद एक्टिंग सिखाएगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? ए राहुल, अरे इधर आओ। क्या हुआ यार? ये देख। सीढ़ियों से जाओ, हम लिफ्ट से आते हैं। मर चुका है। कल कोई किसी ने मार दिया। लेकिन जब मेन डोर अंदर से बंद था तो खूनी घर में घुसा कैसे? खूनी घर के अंदर नहीं, घर के बाहर था। जैसे इसने अपने शिकार पर निशाना लगाया होगा, खूनी ने इस पर निशाना लगाया और गोली चला दी। इसे जरा पलटू इसे। आर पार हो गई। गोली आर पार हुई है तो गोली कमरे के अंदर ही होनी चाहिए। गोली ढूंढो जरा। सर एक बात समझ में नहीं है। बच्चों ने हमें बताया था कि उन्होंने इस आदमी को यहाँ खिड़की पर खड़े हुए देखा। तो अगर इसे बाहर से गोली लगी, इसे ऐसे गिरना चाहिए,
मतलब इसके पैर खिड़की की तरफ होने चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा गया, इसका सिर खिड़की की तरफ। सर बुलेट कहीं नहीं मिली। अच्छा, कमरे के अंदर बुलेट नहीं मिली, ये आदमी उल्टा पड़ा है, समझ में नहीं आता ये सारा चक्कर है क्या। सर इसकी जेब में ये दो बुलेट और कुछ पैसे मिले, कोई आईडी वगैरह कोई नाम पता नहीं मिला। ऐसा आदमी अपनी जान पहचान लेकर थोड़ी घूमेगा रजत। पर सर यहाँ ये मारने किसे आया होगा? यहाँ खड़े होके इसी बिल्डिंग के किसी आदमी को तो मारेगा नहीं, जरूर किसी ऐसे आदमी को मारने आया होगा जो सामने रास्ते पे खड़ा हो या फिर वहाँ आने वाला होगा। रजय आते वक्त देखा था मैंने इस बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर एक ज्वेलरी शॉप में, और ज्वेलरी शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा पूर्वी, उस सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लेकर आओ और बिल्डिंग के वॉचमैन को भी ऊपर भेज दो। सर क्या सोच रहे हो रजय? तो सामने इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, इतने सारे फ्लैट्स हैं, मैं पता कैसे चलेगा कि गोली कहां से चलाएगी? पता चल सकता है रजा, जिस एंगल से गोली इस आदमी के शरीर में घुसी है उस एंगल से पता चलेगा कि गोली चली कहां से है, गोली चली कहां से है। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज तो सब पता चल जाएगा। हाँ सर कुछ पता चला? अब जी गोली तो इसे सामने से ही लगी है। सर ये हमें मालूम है, कुछ और बता सकते हो? गोली कहाँ से चली है, किस एंगल से चली है, ये बता सकते हैं आप? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये इसकी छाती पर सामने की तरफ जो घाव है, जहाँ से गोली इसके शरीर के अंदर घुसी है ये ऊंचाई पर है, और ये दूसरा घाव जो इसकी पीठ पर है जहाँ से गोली निकली ये ऊंचाई पर है। ऐसे इसका मतलब इसे गोली ऊपर से लगी है और लगभग 28 डिग्री के एंगल से। इसका मतलब या तो जिसने गोली चलाई है वो ऊंचाई पर था या फिर कोई 10 फीट का आदमी था। 10 फुट लंबा बेटे, तुमने आज तक किसी 10 फीट के आदमी को देखा है? नहीं सर। नहीं देखा सर, तो फिर आपकी दूसरी थ्योरी सही है, गोली सामने से चली है ऊपर से। जी और सर जिसने भी ये गोली चलाई है वो भी कोई प्रोफेशनल किलर है, क्योंकि इतनी दूरी से इतना एक्यूरेट इतना सही निशाना लगा पाना किसी आम आदमी के बस की बात तो हो नहीं सकती। रजत एक बात अभी भी घूम गई है, इस आदमी को अगर सामने से गोली मारी गई है तो ये आदमी खिड़की से गोली लगने के बाद ऐसे गिरता, मतलब खिड़की की तरफ इसका पैर होता और सर दरवाजे की तरफ। मगर हमें इसकी लाश जब मिली तो इसका सर खिड़की की तरफ था और पैर दरवाजे की तरफ, कैसे हुआ होगा? शाहरुख साहब इसके फिंगरप्रिंट से कुछ पता चला कि ये आदमी कौन है? नहीं वो पता नहीं लगा, क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट्स हमारे क्रिमिनल डाटा बेस में किसी के साथ मैच ही नहीं होते। अगर इस निशानेबाज का पता नहीं चल रहा है तो फिर हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये वहां पे निशाना किसे बनाने आया था। सर उस वक्त सड़क पे बहुत सारे लोग थे, और इतने सारे लोगों के बीच में इस आदमी का निशाना कौन था कैसे पता चलेगा? रेडी फिर भी पता तो लगाना पड़ेगा ना। सर हमें ये पता चल चुका है कि ये राइफल किसी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। इल्लीगल गन, ये तो पहले से ही शक था। सर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो उन सभी आदमियों को जानता है जो ऐसे इल्लीगल हथियारों में डील करते हैं। ठीक है, मिलो उसे और पता लगाओ कि ये गन किसने बेची और किसने खरीदी। सर फिर से उस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। बच्चों ने कहा था कि शूटर यहाँ पे ऐसे खड़ा था खिड़की में, अब देखते रहे जब पता चल जाएगा गोली कहाँ से चली थी। गोली ये मैनिक्विन में 28 डिग्री का छेद बनाया है ना? यस सर। रिलीजर भी कब लगेगा? ये लीजिए।
बोलो। बहुत दूर है, कुछ दिख नहीं रहा यहां से। एक मिनट देखते हैं। मिल गया। लेजर का लाइट वहां पे गिरा है, उस छत पे। जयत, गोली यहीं कहीं से चली है, यहीं कहीं से। यस सर। सर, हाँ। ये देखिए, यहां से पुतला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मतलब रजत, गोली यहीं से चली है। रजत, उस टेस्ट को अच्छी तरह से ढूंढते हैं। कोई ना कोई सुराग, कोई एम्प्टी शेल तो जरूर मिलना चाहिए। शेल तो नहीं मिला, लेकिन ये पानी की बोतल और ये खाने का पैकेट मिला है। खूनी का हो सकता है, यहाँ बैठकर इंतजार कर रहा होगा। सर, सर ये इस बिल्डिंग का वॉचमैन। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये बताओ, क्या छत पर तुमने किसी को आते हुए देखा, बड़ी सी बैग लेकर? नहीं साहब। तो फिर ये खाने की चीज और पानी की बोतल कहाँ से आई? साहब ये मेरा ही है। कल मेरा नाइट का ड्यूटी था और आज दोपहर का भी ड्यूटी है, इसलिए मैं घर नहीं गया था साहब, यहीं पर आकर सो गया था। तुम नीचे कब गए? साहब यही कोई 10 मिनट पहले। मतलब कि सुबह से लेकर 10 मिनट पहले तक तुम छत पर ही थे? हाँ साहब। अच्छा, और तुमने किसी को भी छत पर आते हुए नहीं देखा? रजत, कोई शक नहीं, गोली कमरे के अंदर से ही चली है। अच्छा सर, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? रजत सोचो जरा, अगर गोली बाहर से, मेरा मतलब है छत से चली होती, तो ये शूटर ऐसे गिरता, मेरा मतलब है सिर दरवाजे की तरफ होता और इसके पैर खिड़की की तरफ। लेकिन हमें ये कैसे मिला? इसके पैर थे दरवाजे की तरफ और सिर था खिड़की की तरफ। मतलब है गोली कमरे के अंदर से ही चली है। यस सर, तभी तो घर के अंदर कोई बुलेट नहीं मिली। गोली उसके सीने में लगी, उसकी पीठ से निकली, खिड़की से बाहर चली। एग्जैक्टली। शायद किसी वजह से ही ऐसे मुड़ा होगा और बस उसी वक्त गोली चली। सर, जब हम इस फ्लैट में आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। सर, अगर गोली अंदर से चली है तो फिर चली कहां से? अरे तो ये खूनी छुपा कहां होगा? छुपा कहां होगा? विजय, काम करो, तो इस मैनेक्विन को घुमाओ, ऐसे घुमाओ उल्टा। सर, पता चल जाएगा गोली चली कहां से थी और खूनी छुपा कहां था। अब ये जो तुम्हारा लेजर का बीम है वो छोड़ो उसमें से। माय गॉड, सर लेजर तो स्पीकर पे जा रहा है। उतारो स्पीकर को और खोलो। तो गन? हाँ रजत, गन के साथ साथ एक छोटा सा कैमरा भी, शूटर की हर हरकत पर नजर रखने के लिए। अच्छा, तो खूनी स्पीकर में छुप कर बैठा था, जैसे ही शूटर किसी वजह से मुड़ा, खूनी ने उस पर गोली चला दी। महेश का पूरा नाम महेश गद्दार है। गद्दार कुछ भी गड़बड़ करे तो उड़ा देना से। आप फिक्र मत करो बॉस, मेरी नजर और मेरा निशाना दोनों महेश पे रहेगा।
माल लाया मेरा। मैं जुबान का पक्का हूँ महेश बाबू, ताने मार रहा है, जरूरत पड़ी तो गोली भी मार सकता हूँ। मैंने भी हाथों में छुड़िया नहीं पहनी, लेकिन गोलीबारी करने का मूड नहीं। चल माल दिखा। पहले पैसे दिखाओ। पैसे दिखा सर। अब क्या गिनके दिखाओ? उसकी जरूरत नहीं है, कम निकले तो बाद में हिसाब करने आता है मुझे। क्यों केवल जी? होशियारी नहीं, वरना इस गन के अंदर जितना भी लोहा है तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा, समझे? पूर्वी, फोटो दिखाओ इसे। कौन है ये जानते हो? कौन है ये? नहीं सर, मैं से नहीं जाता, मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। अच्छा, पहली बार देख रहे हो, और ये गन? गन तो पहचानते होंगे। केवल आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, कौन है ये? सर, ये आदमी बिकू है। बिकू? हाँ सर, 3 महीने पहले ये मुझे मिला था। अच्छा, तब मैंने इसको ये गन बेची थी सर। और बताओ इसके बारे में। सर, इसने मुझे खुद कांटेक्ट किया था और उसके बाद फिर मैं इससे कभी नहीं मिला। पहली और आखिरी बार मिला था सर। अच्छा, पहली बार मिला और तुमने गन बेच दी इसे? न जान न पहचान, गन बेच दी? कहाँ रहता है ये भिखू? लगता है काफी माल कमाया इस भिखू ने। हाँ, पेशेवर खूनी जो था। एक काम करो, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाए जिससे पता चले वो किसे मारने आया था। सर, बिकू ने ये 4 नंबर इस डायरी में क्यों लिखे होंगे? नहीं तो देख, इससे पहले कि देर हो जाए पता लगाना पड़ेगा ये 4 नंबर किसके हैं। शायद बिकू इन्हें मारना चाहता था। ये रिख देख के तो ऐसा लगता है कि खूनी ने खुद अपने हाथों से ही फिट किया है। हाँ सर, और ये गन पे छोटा मोटा कैमरा लगा हुआ है। रेडी, इसी कैमरे से तो वो देख रहा था कि गन के सामने कौन आ रहा है, और ये रिग रिमोट से ऑपरेट होता है जिसके जरिए इस गन को ऊपर नीचे, ये देखिए, दाएं बाएं में घुमाया जा सकता है। बात साफ है, खूनी कहीं दूर बैठा था और दूर से ही उसने बीकू का शिकार किया। मगर खूनी उस फ्लैट में घुसा कैसे? ये रिग वगैरह लगाने में तो काफी टाइम लगा होगा, किसी ने देखा कैसे नहीं उसे? बिल्डिंग के वॉचमैन से भी पूछा, उसे भी कुछ नहीं मालूम। और सर, बिल्डिंग के मेन गेट पर जो सीसीटीवी कैमरा फिट है उसकी पूरी फुटेज चेक की, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखा जिस पर शक किया जाए। कहीं वो फेस बदल के तो नहीं आया? इलेक्ट्रिशियन, दूध वाला, पेपर वाला, फेस बदल के अंदर आया, ये रिक फिट किया और निकल गया, किसी को शक भी नहीं होगा। कुछ पता चला भीकू को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था खून करने का? सर, भीकू के घर से जो डायरी मिली है उसमें 4 लोगों के फोन नंबर मिले। कौन है यार? सर, नाम है मनीष, रितेश, विक्रांत और हिता, चारों बिजनेस पार्टनर्स थे। किस चीज का बिजनेस है इनका? सिक्योरिटी इक्विपमेंट का सर, ये लोग सिक्योरिटी एजेंसीज और प्राइवेट बिल्डर्स को इक्विपमेंट सप्लाई करते थे। लेकिन सर,
इस तरीके का बिजनेस करने वाले इन लोगों के फोन नंबर्स एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास कैसे? या तो इन चारों ने किसी की सुपारी दी होगी या फिर किसी ने इन चारों की सुपारी दी होगी बीकू को। सर एक और बात पता चली, इन चारों में से एक पार्टनर मनीष, एक महीने पहले ही उसका खून हुआ। कैसे खून हुआ इस मनीष को? सर मनीष एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था जब किसी ने उस पर गोली चलाई। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 9mm की स्नाइपर राइफल की गोली थी। सर कॉफी शॉप में ही मनीष ने दम तोड़ दिया। स्नाइपर राइफल की गोली, मतलब ये चारों पार्टनर्स बीकू के निशाने पे थे। मनीष को तो उसने मार दिया, बाकी बचे इन तीन पार्टनर्स में से किसी को मारने के लिए उस फ्लैट में घुसा होगा, मगर किसको? सर उसी रास्ते पे जो ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग है उसको श्रेय चेक कर रही, शायद कुछ पता चले। सर आशा, सर ये देखिए, ये आदमी कब से एक ही जगह पर खड़ा है और बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहा है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। है कौन यार, जरा जूम कर। ये तो उन चारों पार्टनर्स में से एक है ना, विक्रांत। ये सर, मतलब मनीष के बाद भीकू का अगला शिकार विक्रांत था। नहीं रजत, मुझे नहीं लगता, क्योंकि विक्रांत काफी देर से वहां पे खड़ा था। अगर बीकू को विक्रांत को मारना होता कब का मार दिया होता। यस सर, तो फिर शायद बीकू विक्रांत को नहीं बल्कि उस आदमी को मारना चाहता हो जिसका इंतजार विक्रांत कर रहा था। मगर सर ये विक्रांत इंतजार किसका कर रहा था वो भी पता चल जाएगा। सर टेप को फॉरवर्ड करो। ये तो उन्हीं का पार्टनर है। मतलब विक्रांत ने पहले एक पार्टनर मनीष को मरवाया और उसके बाद दूसरे पार्टनर रितेश को मरवाना चाहता, लेकिन सर इस सब के पीछे विक्रांत का मकसद क्या हो सकता है? अब ये तो विक्रांत ही बताएगा। पकड़ो इस विक्रांत को। हेलो, हाँ जसवंत, आज का ये प्रेजेंटेशन ना बहुत जरूरी है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं, बस गाड़ी पार्क करके मैं ऊपर आता हूं। भी वहीं पर गोली मारी है जैसे मनीष को मारी थी। एक बात बताओ, किसी ने कुछ देखा क्या हुआ ये? सर मैंने देखा था सर, विक्रांत सर जैसे ही गाड़ी से उतरकर ऑफिस की तरफ जाने लगे तो गोली लगी और यहां गिर गए। अच्छा,
किसने गोली चलाई देखा तुम लोगों ने? आपने किसी को भी यहाँ से बड़ा सा बैग लेके जाते हुए या लेके आते हुए देखा? नहीं सर। अच्छा चलो, गोली चलने की तो आवाज सुनी होगी किसी ने? नहीं सर। अरे नहीं, अच्छा विक्रांत का ऑफिस कहाँ पर है? उस तरफ है विक्रांत जी का ऑफिस। सचिन, गोली तो यहीं से चली है, बिल्डिंग में से ही, मगर बिल्डिंग की खिड़कियां तो बंद है, जरूर गोली छत से चली है, छत से। लगता है उसी आदमी का काम है, उसी खूनी का जिसने मनीष को मारा है। छत से गोली चली है, एक काम करो छत पे जाकर देखो, देखो कुछ मिलता है क्या, और बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, पूछो उनसे क्या किसी ने किसी अनजान आदमी को बिल्डिंग में आते जाते हुए देखा है क्या। सर, सर हम जिसे खूनी समझ रहे थे उसी का किसी ने खून कर दिया। वही तो, हम सोच रहे थे कि विक्रांत रितेश को मारना चाहता है, या तो विक्रांत को ही किसी ने मार दिया। देखिए ये फोन शायद इस विक्रांत का है। देखो इसने आखिरी बार किससे बात की थी। हाँ सर, सर इसने आखिरी बार किसी जसवंत से बात की थी। जसवंत? जसवंत तो विक्रांत का मैनेजर है। ये क्या हो रहा है सर, इन चारों पार्टनर्स के एक के बाद एक खून हो रहा है। एक बात बताओ जसवंत, विक्रांत इस वक्त ऑफिस में आने वाला था ये और किस किस को पता था? वो तो हर रोज 10 बजे आते हैं सर, ये तो सारे स्टाफ को पता है। आखिरी बार तुम्हारी बात हुई थी विक्रांत के साथ? जी सर। क्या बात हुई थी? सर वो तो एक प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे। प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं? जी सर। किसी पर शक है तुम्हें किसने किया होगा ये? ऐसा कौन हो सकता है सर, मैं किस पे शक करूं जिसने मेरे पार्टनर विक्रांत को मार दिया? सिर्फ विक्रांत ही नहीं, खूनी कोई ऐसा आदमी है जो तुम चारों का दुश्मन है। क्या? हाँ, वो तुम चारों को खत्म करना चाहता है। लेकिन सर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम चारों ने उसका क्या बिगाड़ा है, वो हमें क्यों मारना चाहता है? कल तुम और विक्रांत एक बिल्डिंग के नीचे मिलने वाले थे ना? हाँ सर। वहां भिकू नाम का एक शूटर तुम्हें निशाना बनाने वाला था, तुम्हें, मगर किसी ने उसे ही मार दिया। क्या, भीको मुझे मारना चाहता था? हाँ, हमें लगा था कि सबके पीछे विक्रांत का हाथ है और उसी ने भीकू को तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, विक्रांत मेरा पार्टनर ही नहीं था, मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। आपका चौथा पार्टनर मिस्टर हितांग फिलहाल कहाँ पर है? वो तो पिछले एक महीने से शहर से बाहर गया हुआ है, उसके पिताजी की तबीयत खराब है। कब आने वाले? उसने कहा तो था कि वो जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करेगा। कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था है ना? जी हाँ सर। क्या क्या हुआ था? मार्च मई को मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक पार्टी से वापस लौट रहा था, गाड़ी का टायर बीच में ही फट गया और एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरी बीवी और बच्चे तो मर गए, लेकिन मैं पता नहीं कैसे बच गया। अचानक टायर फटा कैसे? दरअसल मेरी गाड़ी पर किसी ने गोली चलाई थी, वो गोली गाड़ी के टायर पर लगी और टायर फट गया। गाड़ी बहुत स्पीड में थी और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया बस। अच्छा, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है, मेरा मतलब है कोई बिजनेस राइवल? नहीं नहीं सर, मैं जानता हूँ कि बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइवल्स होते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई दुश्मन होगा। सर, बिल्डिंग की छत पे से मुझे ये बुलेट का शेल मिला है। नहीं नहीं मुझे लॉन्ग रेंज राइफल का शेल नहीं है। सर फिर तो एक बात पक्की है कि खूनी ने विक्रांत पर छत से ही गोली चलाई है। हाँ पूर्वी, हमारा शक सही निकला, जिसने मनीष पर गोली चलाई उसी ने विक्रांत को भी मारा है, उसी ने विक्रांत पर गोली चलाई है। सचिन, उन्हीं को किसी ने आते जाते देखा बिल्डिंग में? सर मैंने सारे ऑफिसेज में चेक किया लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, कहीं से तो घुसा होगा वो बिल्डिंग में, कहीं से तो घुसा होगा।
सर बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है और मजदूरों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए बिल्डिंग वालों ने पीछे का रास्ता खोल दिया उनके लिए। तो वहीं से घुसा है वो, शायद बेस बदल कर और फिर अपना काम करके भगदड़ का फायदा उठाकर भाग गया वहीं से। ये आदमी तो बहुत खतरनाक लग रहा है सर। हाँ, बहुत ही खतरनाक आदमी है वो, तीन तीन खून कर चुका है वो। तुम भी संभल के रहना, तुम जहां भी जाओ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और सचिन, इनका चौथा पार्टनर हितांक, उसे कांटेक्ट करो और उससे कहो कि जैसे वो शहर में आए हमें इन्फॉर्म करें। सर रितेश अपने परिवार के साथ जब एक पार्टी से लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई जो टायर पे लगी। रितेश गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और गाड़ी फांजा ब्रिज से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई, लेकिन वो बच गए। पर ये एक्सीडेंट हुआ कब? सर मनीष के खून के एक हफ्ते बाद। तो कहीं इस भीकू का हाथ तो नहीं है इस एक्सीडेंट में? सर मेरा तो रितेश पर शक पक्का हो रहा है। हो सकता है अपने परिवार और अपने पार्टनर्स का बदला लेने के लिए उसी ने भीकू पर गोली चला था। मगर भीकू पे तो रिमोट कंट्रोल से गोली चलाई गई है और फुटेज में दिख रहा है रितेश विक्रांत के साथ मिलने आया था। अगर उसने कुछ किया होता तो हमें दिख जाता फुटेज में। अगर रितेश या हितांग ने भीकू का खून नहीं किया तो फिर किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके किसी बिजनेस राइवल ने भीकू को कॉन्ट्रैक्ट दिया इन्हें मारने के लिए? इन चारों पार्टनर्स के बिजनेस राइवल के बारे में पता लगाया क्या? लगाया ना सर, मगर अभी तक किसी पर शक नहीं हो रहा। लेकिन एक अजीब बात सामने आई है सर। क्या? उनकी फर्म को एक ऑर्डर मिला था, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को माल पहुंचाना था, लेकिन ऐन वक्त पर ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो उस ऑर्डर का इन पार्टनर्स की मौत के साथ कोई संबंध? संबंध हो सकता है सर। ऑर्डर बड़ा था, करोड़ों रुपए का। ऐन वक्त पर ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि आज भी कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। और ये ऑर्डर कैंसिल होने की वजह? सर वो तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन चारों पार्टनर्स के खिलाफ एक कोर्ट केस चल रहा है। और सर इसी टेंशन की वजह से एनुअल जनरल मीटिंग में उन चारों पार्टनर्स के बीच झगड़ा भी हुआ था। पता लगा उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपना ऑर्डर कैंसिल क्यों किया था। शायद वहीं से हमें कोई नया सबूत या सुराग मिल जाए जो इस केस को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। सीएल, आपसे कुछ सवाल पूछने। सवाल? कैसे सवाल? रेडियंट सिक्योरिटी इक्विपमेंट के चार पार्टनर्स मनीष, हितांग, रितेश और विक्रांत, तो आप जानते हैं? जी हाँ, वो हमारी सिक्योरिटी कंपनी के सबसे बड़े सप्लायर हैं। तो फिर उनका एक बड़ा ऑर्डर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल क्यों किया आपने? इसलिए कर दिया कि उनके क्वालिटीज एकदम घटिया और दाम एकदम ऊंचे थे। आपकी एजेंसी ने उनकी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, वो क्यों? और मैं क्या करता? देखिए, शहर के वीवीआईपी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे क्लाइंट हैं। हम प्राइवेट बैंक्स को भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और इस घटिया क्वालिटी की वजह से हमारे कुछ क्लाइंट्स राइवल्स के पास चले गए और कुछ लोगों की तो मौत हो गई। ओ, यानी कि बात सिर्फ ऑर्डर कैंसिल करने तक नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, हमने इनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। इन चारों की लापरवाही और लालच की वजह से ये लोग मरे, हमारी वजह से नहीं। और अगर हम कोर्ट में केस जीत जाते हैं तो चारों के चारों जेल में सड़ेंगे। सर ये मामला तो और भी संगीन होता जा रहा है, शायद इसी वजह से कोई है जो चारों पार्टनर्स को मारना चाहता है। अच्छा, कोई और है जिसको ये करोड़ों का ऑर्डर कैंसिल होने से घाटा हो सकता, जिसको इतना नुकसान हुआ हो कि वो चारों पार्टनर्स को नुकसान पहुंचाने की सोचे? रेडियन कंपनी को फाइनेंस दो ही लोग कर रहे थे, हर्षद और शांतनु, और ये डील कैंसिल हो जाने से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। फिलहाल तो शक की सुई इन दो फाइनेंसियर्स हर्षद और शांतनु पर आकर अटक गई है। हो सकता है गुस्से में आकर उन दोनों ने चारों पार्टनर्स को मारने का प्लान बना लिया। श्रेया, इन दोनों फाइनेंसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सर। हेलो, हाँ बोलो। क्या? ठीक है। क्या हुआ सर? चौथा पार्टनर हितांग शहर में वापस आ गया है और उसने एयरपोर्ट के पास एक होटल में चेक इन किया है, इससे पहले कि वो शातिर खूनी उस पर जानलेवा हमला करे। उसको रोकना होगा। तो
सर मैं लगातार मिस्टर हिता का नंबर ट्राई कर रही हूँ, रिंग बज रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, होटल के रिसेप्शन में बोलो, उसके कमरे में फोन कनेक्ट करके दे। सर मैंने वहाँ भी फोन किया था लेकिन उनका कहना है कि मिस्टर हिता अपने कमरे में ही नहीं है। कमरे में नहीं, किसी मुसीबत में तो नहीं? कोई अनहोनी हो जाए उसके पहले हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। से उन्हें ढूंढ रही हूँ, मुझे मन्नू से बात करनी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सर जी, मैंने उनको पर्सनली अटेंड किया था। ठीक है सर, मैं अभी आपके कैबिन में आती हूँ। सुनो, मन्नू मिले ना तो उसको कहना मुझसे आके मिले, मैं एक मैनेजर से मिल के आती हूँ। वो जो दोनों फाइनेंसर्स थे हर्षद और शांतनु, उनके बारे में क्या पता चला? सर दोनों पार्टनर्स बिजनेस के सिलसिले में पिछले एक महीने से विदेश में हैं। सर सर अगर दोनों एक महीने से विदेश में हैं तो फिर इन पार्टनर्स को फोन कौन कर रहा? बिजनेस टीम में चार पार्टनर्स और दो फाइनेंसर, हम शक किस पर करें? उस पर जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते हैं। मिस्टर हेतांग इस वक्त कहाँ है? आपने पहले भी फोन किया था उन्हें पूछने के लिए? आप ये बताइए कि वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे? अभी थोड़ी देर पहले नीचे गए, शायद जिम में होंगे या स्विमिंग पूल के अंदर होंगे, हो सकता है रेस्टोरेंट में भी बैठे हो। अच्छा ये फोटो देखो मिस्टर हितेश की, इनको आपने इस होटल में आते जाते देखा है? हाँ शायद थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें होटल में देखा है। मैंने ही सबको मार दिया। क्यों? वो तो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर थे ना, दोस्त थे तुम्हारे? दोस्त नहीं थे सर, ये लोग गद्दार थे। मेरी वजह से इन लोगों को लाखों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मगर इन लोगों ने मार्केट में हल्की क्वालिटी का जाली माल बेचना शुरू कर दिया। तो तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकते थे। हाँ, जब तक मुझे पता चलता तब तक बहुत देर हो गई थी। कॉन्ट्रैक्टर ने हम पर क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया था। मैंने अपना मुंह खोलने की ठानी मगर इन लोगों ने उल्टा मेरा ही मुंह बंद करने की कोशिश की। जब तुमने चुप रहने से इनकार कर दिया तो उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का एक्सीडेंट करवा दिया जिसमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तो मर गए लेकिन तुम बच गए। हाँ सर, उसके बाद मैंने सोचा अगर मैं पुलिस के पास गया तो ये मेरे माँ बाप को भी मार डालेंगे।
और इसीलिए मैंने भीकू कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। और उसे तुमने चार लोगों के नाम और नंबर दे दिए, जिसमें से एक नाम तुम्हारा भी था। वो सबको गुमराह करने के लिए था। भीकू से मैंने केवल फोन पे बात की थी, उसने मुझे देखा नहीं था। कुछ पैसे मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। भीकू ने सबसे पहले मनीष को कॉफी शॉप में मारा, और उस दिन जब वो तुम्हें विक्रांत को मारने वाला था, उसके पहले ही तुमने भीकू को उड़ा दिया है? जिस फ्लैट से मैंने भीकू को विक्रांत और रितेश यानी मुझ पर गोली चलाने के लिए कहा था, वो फ्लैट मेरा नहीं था, वो फ्लैट मेरे दोस्त का था। मैं उस बिल्डिंग में एसी का मैकेनिक बनकर दाखिल हुआ, पर इसलिए मुझे कोई पहचान नहीं पाया। और भीकू के आने से पहले तुम उस फ्लैट में गए और वहां पे वो रिमोट कंट्रोल वाली गन लगा दी, जिससे तुमने भीकू को मार डाला। तुमने भीकू को बलि का बकरा बनाया ताकि लोगों को लगे कि तुम भी उसका टारगेट थे, और उसके बाद मैंने विक्रांत को खुद ही खत्म कर दिया। और अगर आज आप लोग टाइम पर नहीं आते ना सर, तो मैं इस हितांग को भी गोली मार देता। बदले की आग ने तुम्हें खुद मुजरिम बना दिया है। इस हितांग को तो उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन तीन तीन खून करने के जुर्म में तुम्हें सिर्फ फांसी होगी। फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.